नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। लॉकडाउन के दौरान एमएनएस न्यूज चैनल द्वारा अनाज वितरण। देश में जिस तरह से लॉकडाउन से लोगों के बुरे हाल हैं, ऐसे में गरीब परिवारों के लिए यह समय बेहद संघर्ष से भरा हुआ है। आज उनके सामने दो वक्त की रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। इस संकट की घड़ी में ऐसे गरीब परिवारों के लिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया द्वारा संचालित एमएनएस न्यूज चैनल ने अपनी सहायता का हाथ बढ़ाया है। देश के हर कोने में जाकर एमएनएस न्यूज चैनल ने अनाज वितरण करने का संकल्प किया है, जिसके तहत आज एमएनएस न्यूज चैनल की पूरी टीम ताड़गांव टोली की जनता को अनाज और राहत सामग्री वितरित करने पहुँच गयी। प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की संस्थापिका और अध्यक्षा श्रीमती रेखाबाई के कामले के मार्गदर्शन में चैनल के सीईओ निशांत भाई और अपनी टीम के साथ पूरे देश में अनाज वितरण के साथ ही राहत सामग्री जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहां निशांत भाई ने महाराष्ट्र की कमान संभाल रखी है, तो वही उनके टीम के अन्य सदस्य देश के अलग अलग प्रदेशों में इस काम में जुटे हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में डॉक्टर सुभाष चंद्रा, गुजरात में परेश भाई कपाड़िया, मध्य प्रदेश से भावना शिष्ट अपना मोर्चा संभाल रहे हैं, तो राजस्थान से रोहिता सेन, वही छत्तीसगढ़ से आर गोस्वामी, आंध्र प्रदेश से ए बालू और कर्नाटक से पी चीना इस राहत सामग्री का वितरण के काम में अपना योगदान दे रहे हैं। जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।